लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अक्षतम समर्पयामि। पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, भव्य दक्षिणाम समर्पयामि। नाम गोत्र लेकर इसे यहाँ प्रवाहित करो, छोड़ो यहाँ पर। भव्य दक्षिणाम समर्पयामि, पवित्रो पवित्रो वा दर्वास्तंगंतवो पिवा यस्मरे पुंडरीकाक्षाय सायाम्याम सहस्तुमि। प्रवाहित करो साहब, ये उठाओ, हाँ ये पकड़ो, ले जाओ गंगा में, छोड़ दो, छोड़ो गंगा में। ओम नमः शिवाय। चलो घर आ जाओ। सुदर्शन ने आने के बारे में लिखा था, लेकिन आने का उद्देश्य नहीं लिखा था। ये आपके गांव जैसा नहीं है, भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप, ये काशी है बिल्कुल समुंदर की तरह, मगर सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं आसानी से मिल गया। आप ऊपर ठहर सकते हैं, साउथ इंडिया का पूरा खाना यहीं पर मिलेगा। ये आ गए। नमस्ते शिवाय जी, शांता, तमिलनाडु से हमारे दोस्त के लोग हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या मदद चाहिए बोलिए। हम दोनों अपने भाई को ढूंढने आए हैं। बस इतना ही, एड्रेस दो लीजिए, मैं लेके चलूंगा। लो बेटी। नहीं चाहिए। आप चलो मेरे साथ ऊपर चलो। एड्रेस मालूम है ना? नहीं नहीं मालूम। मालूम नहीं? नहीं, मैं सिर्फ तभी आया था बस। उसके बाद फिर तुम आए ही नहीं। ठीक है, वो तो तुमसे मिलने के लिए आया ही होगा। नहीं नहीं आया। क्या बोल रहे हो, तुम भी उससे नहीं मिले और वो भी तुमसे नहीं मिला? मतलब ये है कि बच्चे को यहाँ छोड़कर चले गए? अच्छा, यहाँ क्यों छोड़ गए थे? एक ज्योतिष ने कहा था। क्या कहा था? उसकी जन्म कुंडली को देखकर कहा था बच्चे को घर में रखने से पूरे परिवार का नाश हो जाएगा, इसलिए 14 सालों के लिए उसे अपने परिवार से एकदम दूर रखना होगा। ऐसा ही ज्योतिष ने कहा था। उसने कहा और तुमने कर दिया? एक नहीं दो नहीं, सारे नामी ज्योतिष ने बच्चे के लिए ऐसा ही कहा था, और हुआ भी ऐसा। परिवार में कई लोग चल बसे, व्यापार में भी लाखों का नुकसान हुआ। क्या करता, परिवार की भलाई सोच अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को यहाँ लाकर छोड़ दे। उठ बे, ज्योतिषी की बात मानकर अपने बच्चे को यहाँ फेंक दिया? कैसा आदमी है तुम, आदमी हो कि जानवर हो? पता है तुमको इस दुष्ट ने क्या किया है? किसी ज्योतिषी के कहने पर अपने बच्चे को उठाकर यहाँ लाकर फेंक दिया। 14 साल पहले से आज तक कहाँ है, जिंदा भी है या मर गया, किस हालत में है कुछ पता नहीं इसको। शर्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने महा पाप किया है, उसके लिए जो सजा देना चाहिए दीजिए मुझे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। बेचारा बहुत गरीब है, उसकी बेटी भी उसके साथ है,
जो बन सके कर दीजिए। मेरा बेटा मुझे चाहिए, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। उठो, उठ जाओ। ठीक है, यही जगह बची है। अरे वाह, दिख गए बाबा जी महाराज। हाँ हाँ महाप्रभु, जय हो आपकी। नमस्कार प्रभु। ये अघोरी अखाड़े के गुरुजी महाराज हैं। ये स्वयं को भगवान कहते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ चलती हुई चिताओं के आगे ये अगर बैठकर प्रार्थना करते हैं तो मरने वाले को मोक्ष मिल जाता है। भगवान ने हमें यह जन्म दिया है, लेकिन पुनर्जन्म को आगे रोकने की शक्ति इन लोगों में है। किसको मोक्ष देना है और किसको नहीं देना है, ये लोग भली प्रकार जानते हैं।
इसीलिए मरने वालों को यहाँ लाकर जलाते हैं। इसी प्रकार हरिश्चंद्र घाट, मणिका घाट आदि स्मशान घाट जैसी कई जगह हैं यहाँ पर। ये सब देखने के बाद दूसरा जन्म लेने की चाह किसे होगी? नमः शिवाय। जरूर वही मेरा बेटा है। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा क्या? इतने सालों से नजरों से भले ही दूर था, मन से दूर नहीं था। उसकी यादों के सहारे तो जी रहा हो। वही मेरा बेटा है। इसका बेटा अघोरी हो गया है। क्या करेंगे उसको ले जाकर के? ये नमः शिवाय। तुम्हारा बेटा हम साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है, वो एक अघोरी है। इतनी जल्दी उसके पास जाना संभव नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम में से कोई भी उसे संभाल नहीं सकता। नलमुगम, कापालिगम, उक्किरन, उर्त्वन, संगहन, संघारन, अंगारन, अग्रिसन ऐसे 108 दल हैं। माना जाता है कि यह काशी के रक्षक काल भैरव के वंशज के समर्थक हैं। सांसारिक बंधनों को ये नहीं मानते, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते हैं। मनुष्यों में उत्तम कौन है, दुष्ट लोग कौन हैं, ये पहचानने की शक्ति इनमें होती है। दुराचारी और दुष्ट भावनाओं वाले ज्यों ही इनके सामने आते हैं, ये स्वयं काल भैरव बन जाते हैं। वो चाहे अघोरी हो, जो भी हो, चाहे वो मेरी चिता को आग भी न दे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मरने से पहले एक बार उसकी माँ के सामने उसे ले जाना चाहता हूँ। कैसे समझाऊं इसको, ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, एक बार उनके गुरु जी से बात करके तो देखिए। यदि आप उसे गांव जाने की अनुमति दे देते। रुद्रन, जानता है कि हम ही भगवान हैं। अपने सारे रिश्ते नातों को तोड़कर हमारे पास आ जा। तू स्वयं जानता है कि तुझे हमारे पास किस समय आना है। काशी का पुराण काल भैरव बचे।
नमस्ते मालिक। माँ माता जी भिक्षा दीजिए मालिक, बाबूजी दान कीजिए, खाए हुए दो दिन हो गया बाबूजी। नमस्ते मालिक, भिक्षा दीजिए। जय बोले बाबा। आज की कमाई कितनी है? 6000 चिल्लर मालिक। कितने जने हैं? 40। और तेरे पास? 60 जन। कमाई? 50,500। अरे मुनीम तेरे पास कितना है? 20 मालिक और आमदनी 13,000 चिल्लर। इन दोनों को नीचे लेटा कर दोनों। तू रेलवे प्लेटफॉर्म, तू माता का मंदिर, उधर क्या भीड़ की कमी होती है? फिर कमाई कम क्यों? वो नहीं मालिक, मुंह खोल के भीख नहीं मांगते ये लोग। मुंह खोलेंगे तभी तो भीख मिलेगी, मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं। माँ कसम मालिक, ऐसे मुर्दों के साथ सख्ती से काम लेना है। मेरा ट्रिक देख। रोज इसी तरह एक एक को काटते रहो, खुद शाम तक चिल्लाते रहेंगे ये लोग। चिल्लाना बंद करे तो नमक का पानी छिटको। इनके चिल्लाने की आवाज पर फरिश्ते भी भीग नहीं देंगे क्या? मालिक, मंगल पांडे नया लोकल लग आया। अंदर भेजो, उन्हें अंदर लेकर आओ। जी मालिक। बोला ना बोल, अभी नहीं से बोल, ज्यादा बहस नहीं करना, समझी? नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। दूसरा अच्छा हो भगवान ने हमें काम नहीं दिया, वरना इसके हाथ पर चौक डॉक्टर का खर्चा भी करना पड़ता। होशियारी से ले जा मालिक, इसे रखकर मैं खुद भिखारी हो जाऊं। नहीं मालिक, मुझे एक वक्त का खाना ही देना, मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रख लो मालिक। हाँ हाँ चल। मालिक बड़ी मुश्किल से इधर उधर से ढूंढ के लाया हूँ, इस बार तो मेहरबानी से 25,000 से ऊपर दे दीजिए। दाम के बारे में तू नहीं बोलने का, वरना इसे भी बदतर हल कर दूंगा तेरा मैं। कोई लागत लगाकर धंधा नहीं कर रहा है, जितना मिला उसमें खुश रहने का फोटिया से। ए, बोल कितनी बार बोल रहा हूँ, वहाँ शोर कैसा? भीख मांगने से बेहतर मर जाऊंगी बोल रही है ये। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे मत मारो मालिक, मैं भीख मांगूंगी। मालिक मालिक मुझे भिक्षा दो। माता जी मुझे भिक्षा दो। मालिक मालिक मुझे भिक्षा दो। बेटा, बेटा, तुझे माँ याद है ना?
अरे पगली, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पैदा किया है, हाथ नहीं लगा सकती। बहुत साथी है। ये क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर आ। मर गया क्या? ये मर गया या तूने से मार दिया? हाँ। राम राम राम। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है जी? आपने तो कहा था कि वेद पढ़ रहा है, लेकिन इसकी तो बातें ही अलग हैं। बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो पिछली बार बोला, हाथ मत लगा मुझे, जाओ। इसका ये रूप दिखाने के लिए ही क्या इतने सालों तक मुझसे दूर रखा था इसे? कम से कम अब तो सच्चाई बताइए, ये इतने सालों तक वहां क्या कर रहा था? छुपाने के लिए ही तूने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला। कैसे इस रूप में देखने के लिए मैं इतने सालों तक जीवित रही? जय भोलेनाथ। कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, जल में भी, जल में, जल में भी, अटल भी, जल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कार ये अपनी
ये भौंको भी भीख मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है। भैया विद्वान, ये पहाड़ कहाँ पर है? अरे भैया, तुम तो मोर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आ गए। अब देखो इन दोनों की जीभ लटक गई है बाहर। भैया चुप रहो भैया, पता चला ये हिमालय पे चला गया। चुप कर कार्तिक, ये बाहर चढ़ने में काले की आंख और जबान बाहर आ गई, और मत चढ़ाओ। अरे छोड़ना, असली को तूने छोड़ दिया, मैं भेष बना बैठा हूँ, मुझे बोल रहा है तू? बिल्कुल सही कहा, कोई भोला है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहाँ पर बैठा है देखो बंसी बजाने वाला। वो है ना, उसी ने बहुत सी राजकुमारियों का हरण किया था। उसे तो पास भी नहीं आने देना चाहिए। चल जा एड़ी, आजकल की लड़कियों में वही सुपरस्टार है, पूरे देश की लड़कियां उसी पर जान देती हैं। इस तरह का बेच बना कर ही उसने राज्य को हासिल किया था। मतलब हम भी जल्दी अपनी सरकार बनाएंगे। जरूर बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति, और ये दोनों परिवार नियोजन, वो फॉरेस्ट, और ये वित्त मंत्री, और ये दोनों पुलिस विभाग। अरे रहने दो भैया, अगर इसे कोई विभाग दिया तो ये सब पर सब खा जाएगा। हम लोग बाराती है ना, ए चंपा आ गया तेरा दूल्हा। तुझे भी जान से मार दूंगा, तू भी इनके साथ मस्ती कर रही है, भिखारी की औलाद। चलो अपनी अपनी जगह पे। मुनीम, हमारे गुलाम बहुत ही काम के हैं, लेकिन उनकी जबान जरा लंबी है। अरे रे प्रवचन बहुत हो गया, इसे लेके लंबे हो जाओ। मुनीम, हमारा टिंकू बहुत बीमार है, हमें यहीं रहने दो। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना, लगता है आज अपनी पोती पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। कल जो कुछ कमा के लाए थे वो सब तो खाने में ही खत्म हो गया, मरते वक्त तुम्हें दवा ला के देगी ना। चलो चल के अपना काम करो। मंगल गुरु जी की जय हो। मुनीम, गुरुजी का श्रृंगार पूरा हो गया। मुनीम, सुनाई कि आने वाले मेले में तुम्हारा कलेक्शन जान पेटी से भी ज्यादा होने वाला है। पुजारी, इसको क्या कमी है, इसके पास तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसका क्या है, वो तो कुछ भी बकता रहता है। अगर मागर स्वामी आँख खोलकर मेरी विनती सुन लेंगे तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। इसका और इसके मालिक के पापों को धोने के लिए तो एक क्या सभी देवताओं को आना होगा। क्यों रे मुनीम, गुरु जी ने आज तक अपने पुजारी को कभी नहीं देखा तो तुझे क्या देखेंगे। अरे छोड़ो भी, इसका विश्वास क्यों तोड़ते हो। आशीर्वाद दीजिए, मैं पापी हूँ। गुरुजी, 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 गुरुजी हमें नहीं देखे तो क्या, हम तो गुरुजी को देख रहे हैं ना, यही बहुत पुण्य की बात है। जाओ अपना काम करो। बेटा, जब से आया है कुछ नहीं खाया, आके कुछ खा ले बेटा। घर में किसी ने कुछ नहीं खाया, तेरे बगैर हम सब कैसे खाएंगे बेटा। इतने साल तूने खाना ही नहीं खाया, ये तू क्या कह रहा है। इतने सालों से तूने खाना ही नहीं खाया, देखने से तो नहीं लगता, कूड़ेदान जैसी लगती हो। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, औरत मैं क्या कर सकती हूँ, उनकी बातों के लिए सर हिलाना पड़ता है। समझ बेटा, माँ की कोई गलती नहीं है। तेरे मन में क्या है बेटा, चाहे तो अपनी माँ को चार थप्पड़ मार ले, तुझे क्या चाहिए बोल। एक माँ के नाते तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बांग बांग, गांजा।
है क्या? गांजा कहाँ मिलेगा? अरे सोने दो भाई। अरे ये क्या? अरे भिखारी के बच्चे। अरे बाप रे। अबे जा, सावन का महीना चल रहा है, सब मर्दों ने माला पहन रखी है। मेरी हालत खस्ता है, ऊपर से तो हफ्ता मांग रहा है। कैसे ए, कौन है बच्चों? इस वक्त रात को यह क्या कर रहा है? यार गांजा कहाँ मिलेगा? क्या कहा? माल है। क्या क्या? गांजा है क्या? ए, सन्यासी की हिम्मत तो देखो, पुलिस वाले से मांग रहा है। अरे ये क्या, हम उसी को मारते उनका जो कर जाते। ऊपर मिलेगा भाई। ए, चुप कर, बड़ा तीस मार खान बना है। बस अपने तक ही रखना, किसी को मालूम हुआ तो थू। बाबा को देखने में डर लगता है। ए तू, छोटा माल देता है, दूसरा दे बे। बम बम महादेव जय अघोरा। अरे ये तो अजीब मंत्र पढ़ रहा है। ओम श्मशानाय नमः, जय भोलेनाथ। वो तो जोर से लगा रहा है, देखिए। बेटा अग्नि को झूठा कर दिया तुमने। अग्नि कभी झूठा नहीं होता। बाबा आप अलग से दिख रहे हैं, इसके पहले आपको कभी देखा नहीं। कहां से आ रहे हैं आप, कहां ठहरे हैं? मैं हर जगह पर हूँ, पंचभूतों में समाया हूँ मैं। अच्छा समझा, उत्तर से आ रहे हैं, कहाँ पे ठहरे हैं? मसान, शमशान। मसान के स्वामी हैं, कोई शक्ति है? मुंह से त्रिशूल निकालते हैं? अवश्य मारूंगा तो तेरे मुंह से रक्त निकलेगा। जब से ये आया है उल्टा सीधा बकरा है। जाकर सो जाओ, गुरुजी सो रहे हैं, ज्यादा फालतू बवक मत करो। कौन है ये? गुरुजी, मंगल गुरुजी, आंख से देखते नहीं, मुंह से बोलते नहीं। भगवान काल भैरव, ये कैसा भगवान है? मैं भगवान काल भैरव। उतर रो रहा था तभी समझ गया था कुछ होने वाला है।
मर गई। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? उल्लू के पट्टों, इसे क्या कोटा समझ के रखा है? क्यों बे, और कोई रूप नहीं मिला तुम्हें भीख मांगने के लिए? तुम्हारे रूप ने आज तुम्हें बचा लिया। कौन है तुम्हारा मालिक? यही हमारे मालिक हैं। आबे कौवे का चूजा जैसा, और तू मालिक है। सुनने में आया कि तू लड़कियों को फंसा के दुबई में बेचता है। सर जी मस्करी कर रहे हैं। क्या कहा? मस्करी? तेरी जात का बैदा मारू, कमीने लड़कियों को फंसाता है। ये क्या अंबा जैसा खड़ा है? अरे ओए अंधे, तेरा बाहर मुनि नाम के एक आदमी है, उसके साथ जा। वो जैसा कहे वैसा करना। क्या तू समझ गई? तो इसी वक्त इसे छोड़ के यहाँ से भाग गया। आज के बाद यहाँ कहीं नजर आया तो उसी वक्त मैं तुझे अंदर कर दूंगा। लेके जा से। बादशाह तांडव साहब से कहना कि मैंने उनका काम कर दिया। सब चलेंगे। हाँ समझ गया, अब जो काम कर वो नीचे रख। बाल चल, ये वही है ना? एकदम लग रही है। पहले इसका गाना सुनकर देखिए कितनी सुरीली आवाज है। हाँ अब एक सुरीला गाना गा के दिखाओ। गाओ लड़की। गारे अब गाना गाती है या तेरे मुंह में कुछ डालो? गारे गाओ ना, मैं क्यों दिखा रही। गाओ आँखों में आंसू और दिल में शोले कर नाश जुल्म का, ये माँ ही बोले। दुर्गा है मेरी माँ, अंबे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अंबे है मेरी माँ। वाह भाई मुनीम, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है। ऐश कर। काम के
ये क्या करेगा जान के दोहे? बताओगे तो आने वाले त्योहार पर हम भी दो चार खरीद कर मालिक बन जाएंगे ना। आखिर कब तक हम लोग भीख मांगते रहेंगे? घूरो मत मुनि भैया, सोच रहा हूँ मरने से पहले अपने भाई को एक बड़ा कारोबारी बनाकर किसी हीरोइन से की शादी करवा दो। और ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब मत देख। हे डिंपल, यहाँ आ। वहाँ क्या कर रही थी? इधर का काम कौन देखेगा? शक्ल देखो इसकी, कल मुझे इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। आज से तुम्हारी यही जगह है। रोज सुबह में यहाँ गाकर चार पैसे कमाने हैं। उसे छोड़ पुरानी बातों को याद करने से फायदा नहीं है। पहले पहले ऐसा ही लगता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। इसे पूरे दिन एक ही जगह पे मत रखना, छांव में बार बार बराबर जगह बदलती रहना। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पराठा वगैरह खिला देना। मुँह फाड़ के क्या देख रहे हो तुम सब? काम करो अपना। ए, ये मत सोचना कि अंधी और इसके चार पैसे मार लोगे। सबकी थालियां अलग अलग गिनूंगा, समझे? ये कौन हंस रहा है? ए चूहे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, काम की जगह दांत मत दिखा, चिल्लर नहीं मिलेंगे। थोड़ी रोनी सूरत बना ले, उपकार होगा मुझ पर। ये क्या मुनि भैया, आजकल तुम भी भिखारियों से भीख मांगना शुरू कर दिए। चलो चलो चलो, चलते बनो। क्या मुसीबत है ये, जान लेकर ही छोड़ेगा। सब लोग पूछने लगे, बेचारी अंधी है, डर गई। तुम्हारा नाम क्या है? रो मत, पहले अपना नाम बता बेटी। हंसबल्ली। नाम के जैसा ही तुम्हारा रूप है, रो मत। क्यों रोती जा रही हो? रो मत बेटी। बाबा, बाबा के पास ही तुम्हें छीन कर लिया है। तुम्हारे असली बाबा? छोड़ो भी, मैं भी तुम्हारे बाबा जैसा हूँ ना। रो मत, मेरे साथ आओ, मैं समझाता हूँ। ए चंपा, इसको अपने साथ लेकर आओ। बेकार में दुखी मत हो बेटी, हम 10 लोग तुम्हारे साथ हैं ना। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। हम कहाँ हैं? मंगल भगवान के पास हैं हम लोग। हे भगवान, तुम सब यही बैठ जाओ, तुम आओ बेटी। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, जा संभल कर चढ़ो बेटी। यहाँ बैठकर प्रार्थना करने से मन का बोझ कम हो जाता है बेटी। गुरुजी, गुरुजी। अंधी लड़की है, बहुत निराश है। आप मन से आशीर्वाद देंगे तो ये शांत भी रहेगी और खुशहाल भी रहेगी। गुरुजी, गुरुजी। देखे तो भी गुरुजी, ना देखे तो भी गुरुजी, बोले तो भी गुरुजी, ना बोले तो भी गुरुजी। कौन है भगवान, कौन है गुरुजी? जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म सत्य प्रभावं दिव्य प्रकाशं मंत्र स्वरूपं
निष्कलंकोहम निजपूर्ण बोध प्रत्यगात्मा नित्य ब्रह्मोहम सत्य प्रमाण मूल प्रमेय अयम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। अपने पापों से कैसे मुक्ति पाऊंगा? एक वक्त पेट की रोटी के लिए मैं पाप कर रहा हूं। जो करना था वो करके अब रो क्यों रहा है? बेचारी अच्छी खासी कहीं पर थी, अपना पेट भरने के लिए उसे यहाँ उठा लाया। अरे ऐसा काम करने से तो अच्छा है कि तू कहीं पे मर जाता। अच्छा कितने दिनों तक पुरानी बातों को याद कर रोती रहोगी? मेरे बेटे ने खाना खिलाने से इनकार कर मुझे निकाल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे तन की कीमत कितनी है? 4000 रुपए। अरे बस करो, जब देखो अपनी बढ़ाई करते रहते हो। हम लोग भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमारी कीमत 20000 रुपए है, क्यों पार्टनर? अभी ऐसी बातें क्यों, वो नई लड़की है, उसका हिम्मत बढ़ाना चाहिए ना हमें। तू तो बहुत किस्मत वाली है, इसलिए तुझे मारा पीटा नहीं। वो वहाँ बैठकर जो मुनीम के लिए पंखा झाड़ रही है ना, वो एक बार भाग गई थी, मालिक उसे पकड़ के पत्थर मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। जानते हो जिंदगी भर वो चल नहीं पाएगी। इसीलिए सबों को नाटा पैदा होना है। मैं वामन का अवतार हूँ। चुप रह, कौन सी बात कहाँ करनी है ये भी नहीं पता। नई जगह फंस गई यही सोच रही है ना, अब जीवन कैसे बिताऊंगी? आदत पड़ गई है। ऐसा तो नहीं सोच रही कि पहले इज्जत से गाना गा के कमा रही थी, अब इन भिखारियों के साथ मिलके भीख मांगनी पड़ेगी, इसीलिए दुखी है ना तू? ऐसा मत कहो दीदी, दूसरों की मदद करने से भगवान सहायता करता है, इसी विश्वास से हमें भीख देते हैं। हम जो कर रहे हैं पुण्य का काम कर रहे हैं। 100 बातों की एक बात कहा तुमने बेटी, सच में कहा। पड़ा हुआ है, ये कैसी किस्मत है? सारी बातें भुलाकर घर चल बेटा, तेरी बहन का मासिक धर्म शुरू हो गया है। भैया भैया, ए चुप रह। चल बेटा, तू मुझे माँ कहके मत बुलाना, मैं भी तुझे बेटा नहीं कहूंगी। तेरा जैसा मन करे वैसा कर। मेरा बेटा कहीं नहीं गया, मेरी आंखों के सामने, इतना मेरे लिए काफी है। चल बेटा, एक बार आकर अपनी बहन को देख जा, तेरा उसके सिवा और है ही कौन? अपनी माँ की बात मान ले। मैंने तुझे 10 महीने कोख में रखा, कम से कम उसके लिए तो दया कर बेटा। दो लोगों के शारीरिक मिलन से
दो आग दो हाथ बनेश, शरीर बना प्राण बने, और अब मैं प्राण की तलाश में हूं। मेरी क्या है जानती है? क्या बोल रही हो माँ? तू नहीं जानती बेटी, वो एक स्वयंभू है, हमारे पास नहीं आएगा। आप चाहे कुछ भी कहिए, जन्म देने वाले माँ को रुलाना महापाप है। ये भी एक पगली है, दूसरों से हमारा क्या मतलब? यही ना, आराम से भीख मांगकर खुशी से रहना चाहिए। हाँ हाँ, एकदम ठीक कहा, हम ऐसे नहीं है कि हम किसी की मदद कर सके। ये क्या बाबा, आप तो साथ में रहते हैं, इनको समझाते क्यों नहीं है? क्या कहा, हम साथ हैं? अपने जैसा उनको भिखारी समझा तुमने? वो बहुत बड़े साधु हैं, समझी? यदि वो साधु हैं, तो इतना भी नहीं जानते? आप क्या करना चाहती हैं? मुझे उनके पास लेकर चलो, फिर देखो मैं कैसे समझाती हूँ। क्या बोलता है तो? देख कर ले चलो ना। मैं तो देख के लेके जाऊंगी, पर तू संभल के बात करना। संभल के? इन स्वामियों को देखते ही मैं तो कांपने लगती हूँ। भैया, साधु महाराज कहाँ हैं? हैं? हम दिखने में कैसे लग रहे हैं? अरे, बाल बढ़ाने से हर कोई साधु हो जाता है। साला भिखारी की औलाद। हाँ, तू बड़ा अंबानी जो बैठा है। हैं? अरे कौन है वो? सेलफोन बेचने वाला है, तू नहीं जानता उसे? ए छुटकू, मुझे तो देखने में ही डर लग रहा है। इतना ही डरती है तो लेकर क्यों आई? टीचर लेके जा। ए तू किधर जा रहा है? मालूम नहीं है क्या वहाँ क्या होने वाला है? बैठ जा, बैठ जा। एकदम सामने ही बैठे हैं। बाबा, बाबा, मैं पूरी रात आपकी माँ के बारे में सोच के सो ही नहीं पाई। बाबा, आपकी तरह मैं समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मन में आया वो कह रही हूँ। ये मत सोचना कि एक अंधी हमें सीख दे रही है, जो कोई भी अच्छी बात कहे हमें सुन लेनी चाहिए। माँ से बिछड़ने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े लोगों ने क्या कहा है, माता पिता गुरु देवता होते हैं, इसमें माँ सबसे पहले है ना। माता का मतलब क्या है? माँ मतलब माँ जरूरी है ना। चाहे कितने भी भगवान क्यों ना हो, माँ ही हमारी भगवान है। ऐसे भगवान की आंखों में आंसू आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए। उन्हें रुलाना ठीक नहीं है बाबा। अब जाइए, जाकर शराफत से अपनी माँ से माफी मांगिए, ठीक है ना? भैया, मुझे सुसु आया है, ले चल यहाँ से। पानी से पानी अलग होता है, या मुर्गी के दबाने से चूजा मर जाता है? कुछ भी हो, हमें पैदा करने वाले ही हमारे भगवान हैं, ठीक है? अब मैं आपके मन को बदलने के लिए गाना गाऊंगी, हाँ? आप उसे सुनकर ठीक से जाकर रहेंगे, समझे? Saleh, get out!
भैया। अरे भैया भैया चोर चुपचाप चल, देख तेरा भैया वहाँ पे कैसे भाग रहा है पागल की तरह। ये घबंडी फ्री सर्व आएगी क्या? अरे आइंदा तुम लोगों की सौबात ही नहीं चाहिए, चल जल्दी चल। नायर उसे संभाल कर बात करना, अगर कुछ भी गलत कहा तो तुम्हें वहीं पर गाड़ देगा। आई बात समझ में? ठीक है साहब। चप्पल यहीं उतार दो। जी अच्छा। सब याद है ना, देख कर बात करना। अरे तुम लोग यहीं रुको। नमस्ते जी। चुंबे कर लो, दिन में ही सो रहे हो। चलो पैसे डालकर निकले यहां से। हो गया मालिक। कौन है ये? मेरे ही जान पहचान का है, केरल से आया है, आपसे कुछ काम की बात करना चाहता। क्या है? मालिक हमें कुछ कहना है, अगर आप बुरा ना माने तो। रोजी रोटी के लिए यही धंधा चला रहा। अभी वहां त्योहार का समय है, ओणम रमजान जैसा त्योहार जो आने वाला है। देखिए कमाई का सीजन है और लोगों की कमी है, अगर आप मुझे लोग देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जितनी रकम चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूं। क्या बोला तूने? मैंने यहाँ कोई खरीदने का बेचने का बोर्ड लगा के रखा है क्या? आगे कुछ बोला तो गर्दन काट दूंगा, सुनानी फुटिया से। मैंने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से लाकर इनके हाथ पर तोड़कर तैयार किया है, और तू बड़े आराम से ले जाना चाहता है इन्हें। देखिए अगर बुरा ना माने तो आप मेरी बात सुनेंगे? वो क्या कह रहा है जरा कान खोल के सुनो। बकरे जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए मालिक। रोज पुराने चेहरे को देखकर कौन पैसा देगा बोलिए? अक्सर नए लोगों को धंधे में उतारिए फिल्म वालों की तरह जी। देखिए आपकी सारी मेहनत बेकार हो रही है, इस प्रकार चार आना आठ आना आप तराजू में तौलते रहेंगे। ठंडे दिमाग से सोचिए क्या ये जरूरी है? इन्हें तीन वक्त की रोटी दे रहे हैं, मुफ्त में आवाज दे रहे हैं और भीख मंगवा रहे हैं, लेकिन इसे आपको क्या मिल रहा है? एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, ये मत भूलिएगा आप। हाँ खुदरे का धंधा छोड़ के थोक का धंधा करेंगे तो पांचों उंगली घी में। बड़े की बिरयानी खा खा कर इन मलयालियों का दिमाग तेज हो गया है। अच्छा अब क्या करना चाहिए? ये हुई ना बात। मालिक ये रख लीजिए, इसमें 3 लाख रुपये हैं। मुझे 15 लोग चाहिए लेकिन सब छोटे छोटे। सुन मोटू, अच्छा ये बता तेरे पास बच्चे कितने हैं? जो निकम्मे हैं सब मुझे दे दिया आपने। ए टकलू तेरे पास कितने हैं? नहीं मालिक, जो खराब है वही दिया आपने मालिक। आप तो जानते हैं सारे के सारे मुनीम के पास है, वही मंगल पहाड़ी। ए, ए, चिल्ला रहा हूँ, मुंह में क्या रखा है? इन्हें साथ ले जाकर तेरे पास जितने हैं दे दे। वो बेचारे हैं मालिक, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, एक दूसरे पे जान। चप्पल से मारूंगा, जितना कहा उतना कर। मालिक मैं जाके चुन लेता हूँ, जब भी आपकी मर्जी हो गुरुवायूर आइए, शबरीमले आइए और मलप्पुरम भी आइए, और आपको जो भी पसंद हो उसे चुन लीजिए। अच्छा चलता हूँ। ठीक है। हाँ कहाँ से पकड़ा मुर्गे को, बड़े काम की चीज है। ए माँ भगवान के नाम पे कुछ दे दे। ए गंजे कांवर उठा के ले जा रहे, कुछ दे जा। ए अन्न लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ज्योति लक्ष्मी, ऐसे जा रही है जैसे बैरी है। जा 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 घर जाके अपनी बहू से पिटाई खा। ये हंसी अपने पति के सामने दिखाना और दो चार पैदा कर देना। चुप रही। कहाँ है? ऊपर जाके देख लो, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। लगता है मुझे भी खरीदने का इरादा है। उन दोनों को उठा लो।
पर नहीं है लेकिन बच्चा पैदा करेगी। इसे बिठा और उसे बिठा। अरे अपाई ठीक मांग रहे हैं, ये आ गया तंग करने। राजा को उठा के ले जा रहे हैं, तुम यहाँ चुप के बैठे हो। चल हट। पूछ रही हो ना? खरीद लिया है उसने। दो हमें थोड़ी सी पिक्चा दे दो। इसे तो उठा लो। वो नहीं चाहिए। अरे कोई दे दो ना। हसी बिटिया से अंधी है ये नहीं चलेगी। हसे बेटी भूल गए। ये दोनों अच्छे हैं। अरे सुनो इन दोनों को उठा। ठीक है मालिक। क्या फायदा, हम लोग जानवर की तरह हैं, कोई खरीद सकता है बेच सकता है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। दीदी पापा से कहो कि वो रोई नहीं। रोने दे, उसका मन हल्का हो जाएगा। ये सब तुझे नहीं देखना पड़े, इसीलिए तुझे आंखें नहीं दी हैं प्रभु ने। ए, तेरे से बैठने से क्या फायदा, जाकर उसे दिलासा दो। क्या बाबा, इस वक्त संग बजाएंगे तो आवाज नीचे तक जाएगी ना। काल रुद्राय कल्पांतर रुद्राय। पुलिस के डर से हम लोग इस तरह बेस बदल कर घूम रहे हैं, आपकी आवाज से लगता है सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मार्तांड रुद्राय। हर पल नशे में डूबे रहने से पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। रेहू मछली है, आओ तुम भी आकर खा लो, तुम्हारा भूख मिट जाएगा। विटल रुद्राय महातल रुद्राय भैरव रुद्राय महारुद्राय
सूर्य रुद्राय वीर रुद्राय जलाधर रुद्राय पाताल रुद्राय नमो नमः। फिर से टपक पड़ा तो? ये रामनाथपुरम का है मालिक, इसे कुछ अच्छे लोग चाहिए क्योंकि ये मेरे पास शबरीमले में आया। इसके कहे अनुसार कोई आदमी मेरे पास नहीं है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं। अगर धंधे की बात करनी है तो मुझसे करे, वो वहाँ औरतों की तरह मुंह छिपा के बैठा हुआ है। ए, इधर आ। नहीं मालिक, अगर आपने उसका थोपड़ा देखा तो एक महीने के लिए खाना पीना भूल जाएंगे आप। मुझे झूठ पीता बच्चा समझा है? आज तक मैंने कितने ही चेहरे देखे हैं। बुला उसे। बुला रहे हैं तुझे। नायर, ये तो 10 के बराबर है। अगर इसे माता के मंदिर के बाहर बिठा दिया जाए तो आने जाने वाले भक्त लोग गले का कान का सब उतार के दे देंगे। है? मालिक, आपने इसे क्या समझा? इसके बारे में नहीं जानते? बड़ा दौलतमंद है ये चाहा तो हम सबको खरीद सकता है पल में। इतनी औकात है तो यहाँ क्यों आया है? काफी दौलतमंद है, लेकिन फायदा क्या है? साथ में सोने के लिए कोई लौंडिया तैयार नहीं है। स्वामी शरण, स्वामी शरण। हाँ नायर, इसके साथ कौन सोएगी? वो सब जानता है, लेकिन इसकी एक ख्वाहिश है कि आने वाली इसका थोपड़ा देखे बिना जिंदगी भर इसकी प्यास बुझाती रहे। मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, मुर्गी चाहे अंधी क्यों ना हो उसका शोरबा मजेदार होना चाहिए, वैसा ही ना? आपने सच बोला, मैंने पिछली बार पहाड़ी पर एक अंधी को देखा था। चुपचाप उसे इसके हवाले करके पैसे ले लीजिए। कितना देगा? 2 लाख देगा। ओहो मालिक, खुदरे के धंधे से कब पीछे छुड़ाएंगे आप? मैंने 10 लाख तय की है, और एक अंधी के लिए 10 लाख इस जमाने में कौन देगा बोलिए? सोचो मत मालिक, सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, जब लक्ष्मी आती है तो पकड़नी चाहिए। अगर लक्ष्मी देवी वापस चली गई तो रोके क्या फायदा? मैंने अपनी दिल की बात कह दी, आगे आप सोचिए। पैसे ठीक से दे देगा ना, वरना उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। पैसा दे देगा, लेकिन पैसा लेने के बाद लड़की ने कुछ किया तो ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस में इसकी बहुत पहुँच है। हाँ हाँ मुनीम। दीदी नीचे उतारो मुझे। बाप रे, दीदी बात क्या है? इसे बर्बाद करने वाले हैं, कैसे भी आप बचा लो। आप किसी वहां हमारा कोई नहीं है, अब तक हम आपके भरोसे ही जीते रहे हैं, इसका कोई उपाय कीजिए गुरुजी। थैली और बर्तन सब इधर पड़े हैं, कहाँ वो? नहीं जानता, नहीं जानता। वो लोग आ गए। अगर इसे कुछ हो गया तो ये बर्बाद हो जाएगी और आप नरक में जाएंगे। दीदी, दीदी, प्रभु, प्रभु। प्रभु ऊपर है,
ईश्वराय मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में भगवान, तुझे इस जन्म में मोक्ष देना और अगले जन्म से मुक्ति दिलाना केवल उसी के हाथ में है। जा उससे मिल जाकर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहाँ गई वांदे? तो मंदिर है लेकिन यहां क्या है? जाओ वहां जाके देखो। क्या कह रहा है? वो रेडियो बंद करने के लिए बोल रहे हैं। सब लाइन में आ जाइए। बंद कर दो। कांस्टेबल संगीया बोल रहा हूँ। चल पूछ। बाबा। आयुष्मान भव। सर बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं सर। चल हट।
बाबा क्या नाम है, कौन है आप? भगवान काल भैरव। क्या कह रहा है भैरव भगवान? सर गले में नरमुंड माला पहने हुए, देखिए। कौन सा गांव? कौन सा गांव? वो तो पंचभूत में रहते हैं साहब। तेरी तो मुझसे ही मस्ती कर रहा है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं सर। हिंदी बोलते हैं क्या? कभी कभी बोल लेते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती है। इसके अलावा बाबा जी और क्या करता है? वो सब मैं नहीं जानता सर, लेकिन अक्सर ध्यान लगाते हैं। पहाड़ी वाले गुरुजी भी इन्हीं को सिर्फ आंख खोल कर देखते हैं सर। इंस्पेक्टर भी डर रहा है कि शराब ना दे दे। जब आप उसे अपने साथ ले जा रहे थे, इन सब ने देखा है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, तांडव का आदमी है। उसका क्या किया, वो जिंदा है या मर गया? उसे जो आशीर्वाद देना था भगवान ने दे दिया है। कैसा आशीर्वाद, कौन सा भगवान? अबे मैं हूं भगवान। आदमी कहीं नहीं देखा, पता नहीं कहां का है ये। आवाज बंद कीजिए बाबा, उठ जाइए। भगवान काल भैरव, ये कैसा नाम है, कहां से आया हो भाई? क्या शहर क्या ठिकाना, मेरी कोई सीमा नहीं। इसकी बातें तो अजीबोगरीब हैं, कोई साधु संत है क्या? नहीं सर, ये अपने आप का भगवान बोल रहे हैं। ही इज नॉट कोऑपरेटिंग इन्वेस्टिगेशन विद प्रॉपरली। अनपढ़ जाहिल हो, तुमने कहां तक पढ़ाई की, आखिर तुम्हें किसने नौकरी पर रख लिया? इधर देखो भाई, बेशक आपका गांव चाहे ना हो, लेकिन कानून नाम की कोई चीज है। मेरी भले ना सही, कानून की इज्जत तो करनी ही होगी। तुम्हारी नीति न्याय सरकार मुझे बांध नहीं सकती, शेष झुकाकर प्रणाम करो। मैं साधारण मनुष्य नहीं, मोक्ष देने वाला काल भैरव। आप कहना क्या चाहते हैं? जो इस धरती के लिए बोझ है उसे मैं देता हूँ मृत्यु दंड। जो जी नहीं पा रहे हैं उन्हें मैं देता हूं मृत्यु का वरदान, सर्वनाशक। मृत्युदेव, मैं हूं ब्रह्मा, मैं हूं ईश्वर, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब तो आप ही समझ लो, लेकिन अब उसे कहां रखा है? मुझे भी ज्ञात नहीं। इधर आओ। तुम पागल हो? मैं पागल हूं? असली मुजरिम तो पकड़ नहीं सके, उसके बदले जिसे चाहोगे पकड़ कर ले आओगे। नहीं सर, पब्लिक में। बीच में मत बोलो, पूछो तो भगवान बताता है, किसे मालूम। एक ही जगह पर भटकते रहने से कुछ नहीं होगा, दुनिया में क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए। इनके जैसा सन्यासी कहीं बैठकर एक चीफ मिनिस्टर के सर काटने की बात कर रहा था, उस समय इस गवर्नमेंट और कोर्ट ने क्या कर लिया? पहले से ही गधे लोग फालतू के केस लाकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम एक और ले आए, इस केस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एविडेंस के बगैर नहीं ले सकते। सर दरअसल बात यह है कि नॉन कोऑपरेटिव ये सहयोग नहीं दे रहा, इसलिए पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ करें तो पता चल जाएगा। अगर मुझे 7-8 दिन देंगे तो। हाँ, वो भी तो तुम सही ढंग से नहीं मांग सकते, वो सब नहीं होगा, सिर्फ 5 दिन। मैंने जो बोला याद है ना, उसके साथ तमीज से पेश आना,
जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस लाना। जितने लोग लापता हैं उनके साथ अपनी पुलिसिया हरकत मत दिखाना, वरना मेरा सरदर्द हो जाएगा। द अक्यूज हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द डेट ऑन सेम कंडीशन। अरे साला कुत्ते की तुम कभी भी टेढ़ी की टेढ़ी, तू भी अपने औकात पे आ गया ना। तांडव जोश में आके होश मत खोना, ये हादसा आम जगह पर हुआ था और लोगों ने भी देखा है। कोर्ट में पेश करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगर ऐसा नहीं करता तो मेरी वर्दी उतर जाती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, ये मत भूलना तुम। अरे रे रे रे, आप लोगों को तो बस अपने बारे में ही पड़ी हुई है, कोई मेरे बारे में भी तो सोचो यार। ए अपना मुंह बंद कर, भाग कर कहाँ जाएगी। जब देखो उस लड़की के पीछे पड़ा है, देख लिया इस हाल में भी क्या चर्बी है। अगर हम पर भरोसा करके आने वाले को कोई मार डाले तो मुझसे डरेगा कौन। आखिर हुआ क्या, देखो मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले नहीं सकता। वो 5 दिन की हिरासत में है, तब तक शांत रहो तुम, उसके बाद तुम जाना वो जाने। उस सन्यासी के लिए 5 दिन तक इंतजार करूंगा मैं। हा? तुम्हें तो बस अपनी पड़ी है, जब तक उसे सही सलामत कोर्ट में पेश नहीं करूंगा तब तक मेरी जान सूखी रहेगी, ये मत भूलो। कहाँ है? पता नहीं मालिक। कहाँ वो बता। तुम सच्चे मन से प्रभु की सेवा करोगी, तुम पूरे आत्मा से मन से शक्ति से प्रभु की प्रार्थना करो। तुम्हारे पीछे कुत्ते बेड़िए और शैतान पड़े हुए हैं, तुम प्रभु पर विश्वास रखो, तुम्हारी रक्षा होगी। बाबा जी वो कहाँ पर है बताइए ना। कोर्ट कचहरी केस वगैरह में पढ़कर बेकार में है। आप फिर से अपने गांव में जाके अपना जीवन क्यों नहीं बिताते। आप हमें इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं, सहन नहीं होता हमसे। क्या हुआ साहब, पास जाने में ही डर लग रहा है साहब, आगे पूछताछ की तो कोई श्राप दे देगा साहब। रूपेन मनुष्य, मनुष्य के रूप में भगवान, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। वो तेरे बाप का घर है। रुको भाई, मारो मत, प्यार से समझा कर भेजो, समझे। तेरी किस्मत अच्छी है, वरना एक मार में दो टुकड़े कर देता। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हैं। क्या बोली, कुत्ता। मुझे जोर जबरदस्ती पसंद नहीं, आना है तो राजी खुशी आना होगा उसे। अब जुबान को लगाम देता है कि नहीं साला। हे उठाई से
छोड़ो मुझे। अरे रे, आप लोगों के साथ तो बड़ी मुसीबत हो रही है मुझे। चल जाती है, जान से मार डालो। छोड़ दो प्रभु, छोड़ दो मुझे। अरे रे, जो जबरदस्ती से मेरे सर पे बांधने की सोच रहे हैं आप लोग, ये सब नहीं चलेगा मेरे साथ। मुझे मत डराओ, ये इनकार कर मेरी बेइज्जती कर रही है। कब तक सहूं मैं बोलो? ये चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं तुमसे भी बुरा आदमी हूँ कह देता हूँ। आया तब से बकवास किए जा रहा है। हाँ? जानता किसे बात कर रहा है? भाग जा। जावे भिखारी की औलाद, ये मेरी गलती थी जो मैं यहाँ पे तेरे पास आया। कोई आदमी है ही नहीं सरकार। यही बोलो, यही बोलो। और आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है सर। गवाह तो अक्सर मुकर जाते हैं, लेकिन अब तुम मुकर रहे हो, कुछ अंदर की बात है। सच कहूं तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। खामखा एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। कानून की तुम कितनी इज्जत करते हो ये सब ऊपर वाला जानता है। आई एम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड। मेरे पैदा होते हैं।
काली माँ के मंदिर में मेरे भगवान ने भी मेरी रक्षा नहीं की। मैंने क्या गलती की बाबा? जन्मना भविष्यत्।